उसके पापा। क्या क्या धोखा गया क्या? ये कपड़ा वेपड़ा देख के, मेरा अंग्रेजी सुन के, आवाज सुन के क्या लगा तेरे को? बदल गया सत्या, भूल गया है अपने पापा को, भूल गया? अरे बस क्या पापा, तू खाली परमात्मा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है मालूम। ये करणवीर खुराना के नीचे ना वही सत्या सावंत है मालूम। मैं वही सत्या सावंत है पापा, जो अक्की जिंदगी तेरे दिखाए हुए राह पे चला है। पर तूने ना, तूने अक्की जिंदगी ना मेरा बहुत काटा है मालूम। क्या मैं पैदा हुआ तभी तूने मेरे को अनाथ कर दिया? मैं कुछ बोला क्या? कभी कंप्लेन किया मैं? नहीं किया ना। फिर उसके बाद वो देवी जैसी औरत, वो गंगूताई, उसको तू मेरी जिंदगी में लेके आया। उसने पाल पोस के मेरे को बड़ा किया, दुनिया का सारा प्यार दिया मेरे को, और तूने उसको इतनी मुश्किल दिखाई ना, इतनी मुश्किलें दिखाई। मैं खाली देखता रहा उसकी आंख में आंसू देख के ना, इधर मेरे को दर्द होता था मालूम। मैं कुछ बोला क्या? मैं तेरे पास आके रोया क्या? बाद में तूने मेरे को मेरा परिवार दिया, मेरे को माही दी, मेरी पत्नी दी, दुनिया की सारी खुशियां दी, काहे को छीन लेने के लिए? क्या बस क्या पप्पा, अभी माई के पेट में ना वो दो जिंदगी पल रही है, अब क्या ये पाप कराएगा तू मेरे से? हाँ अपॉर्शन करूं मैं अपने बच्चों का? अरे तू क्या करा रहा है मुझसे पप्पा? ये सिला दे रहा है तू मेरे को अपना सबसे बड़ा भक्त होने का? आज तक मैं तुझसे कुछ नहीं मांगा है, पर आज मांगता है। मेरे को मेरी माई मांगती है, मेरे को उसकी जिंदगी की सारी खुशी चाहिए, मेरे को सही सलामत सेहतमंद जिंदा चाहिए, और तू देगा मेरे को? अगर नहीं दिया ना पप्पा, तो इस बार जो ये सत्या सावंत पलट के जाएगा कभी तेरे पास में नहीं आएगा। और फिर इस करणवीर खुराने के नीचे ये जो सत्या सावंत है, इसको मैं हमेशा के लिए मार देगा। ये मेरी जवान है, पर खाली आज, आज जाने से पहले ना मैं आखिरी बार तेरे सामने भीख मांगना चाहता है। मेरे को मेरी माई चाहिए पप्पा, मेरे को हमारी जिंदगी की सारी खुशियां चाहिए पप्पा, मेरे को मांगता ही चाहिए, और तू देगा मेरे को, समझा? तू देगा मेरे को, ये मेरी जिद समझनी है तो समझ ले पप्पा। मेरे को मेरी माही लौटा दे बस, मेरे को हमारी जिंदगी की सारी खुशियां लौटा दे बस। मैं इसके बाद ना तेरे से कभी कुछ नहीं मांगेगा, ये आखिरी भीख मेरी झोली में डाल दे। आपके परिवार से बातचीत है आपकी? नहीं करते, कोशिश की मैंने बात करने की, बात नहीं करते। अच्छा, लेकिन आपके ससुराल में आपको बहुत पहले से पूरा 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 सपोर्ट है? वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने इनमें से कौन सी ऐसी चीज थी जो एक्सप्लोर की शादी के बाद? इनको मैंने ज्यादा कभी कुछ अपने बारे में इतना बताया नहीं, जो भी पता चला वो मिलने पे जितना पता चला। क्या पता चला शादी के बाद? बहुत सारी बातें पता चली। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी मैडम जी का गुस्सा। हफ्ते लगते हैं मनाने के लिए, मिन्नतें करनी पड़ती है, और मानती है 10 मिनट के लिए और 15वें मिनट पे गुस्सा। क्या हेट्स, डिस्टर्ब मत कर यार। डिस्टर्ब मत कर, बोल तो ऐसे रही है जैसे कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रही है तू। कर रहे हैं आप?
तुम्हारी चोट देख रहा हूँ। अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे मुझे देखिए ड्रेसिंग ठीक से है कि नहीं। अरे ड्रेसिंग ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। चुपचाप हाथ दिखाओ। अरे सब ठीक है, आप छोड़िए ना, मैं देख लूंगी, मैं ड्रेसिंग भी कर लूंगा। चुप रहो ना, तुम्हारी मुंह पर ड्रेसिंग करूंगा मैं। क्या? और नहीं तो क्या। अरे लेकिन इतनी चोट ही नहीं लगी है जितने आप परेशान हो रहे हैं। अरे नहीं लगी, तुम चुप नहीं हुई या तुम्हारा नाक। नाक तोड़ देंगे आप मेरा। तुम्हारी नाक पर बटन दबा दूंगा मैं, उसके बाद बोल नहीं पाओगी कुछ भी। लेकिन मैं बता रही हूँ ना, ठीक है, अभी ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं। अभी